इसने मुझे रिसीव हुए हैं दो। हेलो, इसमें तो दो नहीं है, इसमें तो है ही नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज सवेरे सवेरे वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और चलो चलते हैं नीचे, क्या हो रहा है देखते हैं पहले। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे, सारे घर की क्लीनिंग डन हो चुकी है, मॉपिंग एंड ऑल आंटी कर रहे हैं, ऊपर का क्लीनिंग, यहाँ का से बेड सेट करना है। तो आज सवेरे सवेरे लाइक 8:15 का टाइम है, लक्की करवा रहे हैं पूरा ही क्लीनिंग, ये सब तोड़वा रहे हैं। ये वाला देखो, हमारा ट्री कट चुका है, वहाँ पे डल चुका है और सारी क्लीनिंग आज हो गई है। अब मैं इन सबके लिए टी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे सवेरे सवेरे बन रही है टी इन सारे मजदूरों के लिए। तो ये बन गई चाय। तो सवेरे का शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा बिजी चलता है। और हुरैन पता है कल रात से इतनी ज्यादा बीमार हो गई ना, पता नहीं इसने 3:30 बजे वोमिट करना स्टार्ट कर दिया। सवेरे सवेरे 6:30 जो है हमने डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने हमें सारी दवाइयां बताई। तो लकी जाके जो है हुरैन की दवाइयां लाए और उसके बाद अभी जिम गए। वो आते हैं, उससे पहले मैं चेंज वगैरह करती हूँ और फिर देखती हूँ इन लोग के ब्रेकफास्ट वगैरह का क्या है। और आज सवेरे सवेरे देखो हुरैन ये बेडशीट निकाल लिया आज मैंने। ये देखो हुरैन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना जानू, आंटी के साथ मस्ती करेगा। अच्छा जी, आज हो रही है यहाँ पे पूरी क्लीनिंग। मैंने निकाला है आज जो ये वाला बेडशीट, एक्चुअली इसका डिज़ाइन दिखाऊं कैसा, ये वाला बेडशीट है ये, और हम इसको बिछाएंगे। दीदी तो देखो ये बेडशीट मैंने यहाँ बिछा दी और ये जैसी हमें दिखाई गई थी ना बिल्कुल से वैसी ही लग रही है, प्यारी सी। और कल रात में जो है मैंने हीटर भी निकाल लिया क्योंकि हुरैन की तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही लग रही थी, पूरा अंतमश दोनों एक्चुअली। तो जब मैंने हीटर जलाया बेडरूम निकला मतलब गर्म हो गया, तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो बस अब हीटर भी ऑन हो गए। और आज जो मैंने वेयर किया ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी मान्या पैशन पे जल्दी, ठीक है। अभी हम चलेंगे नीचे क्योंकि आज दिन भर मैंने कुछ नहीं करना है, दिन भर मैंने सिर्फ लकी का खून पीना है और बस, क्योंकि बस आज का ही दिन है। किचन में भी ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है, ये मैंने छिलके रखे हैं, बस अभी लकी का जूस ऐड करती हूँ और देती हूँ। सच में मैं कातिल लग रही हूँ क्या, क्योंकि लकी मुझे जस्ट आते से बोले बाप रे क्या कातिल दिख रही हो। यहाँ पर हो रहा है दूध गरम जो कि सिम पे रखा हुआ है। गाइस जस्ट अभी जिम से आके गुड न्यूज दी लकी ने कि वो मोबाइल यूज करना छोड़ दे रहे हैं, और ये गुड न्यूज सिर्फ गुड न्यूज है, ऐसा होने वाला नहीं है। तुम सच में मोबाइल छोड़ रहे हो? अब जेल में रहता कि मैं ये अल्लाह तौबा मोबाइल रखता हूँ अल्लाह तौबा। सच में मैं परेशान हूँ मोबाइल, तो वो वक्त था, आपको हम काफी दूर ले आए उस सब चीजों से निकाल के। अपनी मर्जी, अपन कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल यूज करना नहीं करना, आदत लगाना नहीं लगाना, तो आप छोड़ देंगे पक्का? क्योंकि मेरे लिए तो इतना मतलब, गाइस मैंने 1.5 साल से लकी का फोन चेक नहीं किया जस्ट बिकॉज हम करने क्या मतलब। अरे वाइफ वाइफ तो कोने खचड़ों में किचन के रैक्स में घुस के बैठ जाए फोन चेक करते सिरे सिरे। मैं करती थी ऐसा तो और हम बट हमारे कुछ कमिटमेंट्स थे दोनों के आपस में, इस वजह से मैं आप कभी चेक नहीं करती। और मुझे पूरा यकीन है कि ही लव्स मी सो मच, क्यों रे बोलना। हाँ यस, अच्छा। और ये कालू पता है अभी क्या बोल रहा था गाइज, तू क्या बोला था अभी जस्ट कि हाँ मेरे को तो कोई ज्यादा फोन करे ना मतलब ब्लैकलिस्ट कर देता। देखो पता है तो जिसको ब्लैकलिस्ट डालेगा ना वो बोलेगा ओ अल्लाह शुक्र अल्लाह कि गिरीश ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। लकी बोलता जाना बे तेको कौन गिनता।
दिन भर हमारे घर में गाइज ऐसे ही कारनामे होते हैं, लाइक गिरीश की अलग बातें होती हैं, लकी की अलग बातें होती हैं, बस यही सब चलता है। अब मसालेदार सोया भाजी जो मूंग दाल और टमाटर डालकर बन रही है, है मिंट मतलब पुदीना, उसकी चटनी बनानी है अभी। पुदीना चटनी बनाने के लिए हमने डाल लिया है पुदीना, टमाटर, लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ी सी शक्कर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट और काली मिर्च का पाउडर प्लस जीरा पाउडर। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो चटनी कुछ बनके ऐसे रेडी हो गई है, खाने में बहुत ही अमीर। तो फाइनली डे टाइम में जो है मैं फ्री होती हूँ, और आज ऐसा था कि लाइक लकी ने मुझे बोला ऊपर चलो मेरे सारे कपड़े निकालो, पैकिंग करनी है क्योंकि वो निकलेंगे पूना। एक्चुअली लकी ना अपने एक प्रोजेक्ट में बिजी है, बहुत जल्दी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज ऐसा कि कोई काम से रिलेटेड नहीं कि ये हो गया तो वो हो गया तो नहीं, एक्चुअल वाला जो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो क्या भैया क्या कर रहे नीचे? गोल्ड को धो रहे हैं। गोल्ड को? हाँ। अब इसलिए मंगाया नीचे? हाँ। बाप रे लकी ना ऐसे ऐसे काम करते, देखो अब मुझे बताओ गोल्ड को कौन वॉश करता है। अब अभी जस्ट पता है गोल्ड मंगवाया मैंने दिया ले जाके, उसके बाद शैम्पू मंगवाया, अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि गोल्ड को वॉश कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं पता नहीं, चल के देखते हैं। ये देखो लकी की न्यू कारस्तानी, कैसे धोए ये पूरा शैम्पू से। ये देखो मैं आई जब तक ये धो धा के, अब गोल्ड को कौन धोता है शैम्पू से? मैं धोता हूँ। किसने बताया मतलब ये ऐसे शैम्पू से धोना? देख लो कितनी गंदगी निकली है। ये तो मेरे को पता है, ये दो ब्रश लेके इसमें तुमने शैम्पू डाल के इसको वॉश किया और इसको चमकाया, पूरा चमक रहा है। अरे लेकिन गोल्ड को नहीं धोते शैम्पू से, भुलाई कर ली, लेकिन सच में चमक रहा है। इन्होंने शैम्पू लिया, ब्रश लिया और इसको पूरा ही मल लिया। ऐसे उम्र से आने के बाद ये सारा गोल्ड लकी ने मेरे पास दे दिया है, मुझे दे दिया है कि तुम जो चाहे करो। आज इन्होंने मांगा, इसे वॉश किया लेकिन पता नहीं क्यों बाद में फिर ये रख के चले गए। तो ये सारा मेरे अंडर में है, मैं सारी इसकी भी ज्वेलरी जो है बनवा लूँगी। और साथ ही आ गए हैं आज यहाँ पे बहुत सारे पार्सल, और वहाँ पे भी एक पार्सल न्यू आया हुआ है। बहुत सारे पार्सल मुझे जो है कंटिन्यू ये दो दिन में रिसीव हुए हैं, लाइक आई थिंक 17-18 पार्सल है, लेकिन मज़ेदार है। अल्तमाश तुम्हें डैडी के कपड़े इतने पसंद क्यों आने लग गए? कैसे है मेरे बच्चों की एक्चुअल में तबीयत खराब है, मैं अभी मुझे बाहर जाना है, बहुत सारे काम करना है। ये नौटंकी मेरा पता है ध्यान नहीं रखती, सब पैकिंग वैकिंग नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं साबुन में फेस वॉश में जमा कर रहा हूँ, मेरा ये तैयार करता हूँ, फिर बैग है बैग में जाके रख दूंगा, अभी नमाज पढ़ूंगा। एक्चुअल में मेरी भी तबीयत खराब है, ये कुछ सपोर्ट नहीं करते मेरे को। एक्चुअली लकी बहुत ज्यादा बिजी है अपने प्रोजेक्ट पे, उसके बाद इंशाल्लाह इसमें भी बिजी हूँ मैं, सब चीजें अपने। चले नमाज पढ़ लेते हैं यार, फिर बात करते हैं। ये जानमाज दिखाओ, ये मक्का को टच की भी जानमाज है। ये हमारी नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, पढ़ो अल्लाह अल्लाह। देखो रेडी हो गई। दिनेश भी ये ले लो। ये वाला बैग ना उमरा से आए जब से अभी तक ऐसे ही रखा था, मैंने बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाया। आज हमने लकी होते निकालो, जैसे ही खोला इसमें से 500 के नोट निकले, देखो ये वाले इतने सारे, तो मैंने फट से छीन लिए। तो पिलाओ। मैंने बता तुमने नहीं लिया पानी भाई, तो जैसे ही मैंने ये पैसे छीने बंदे का मुंह देख लो 200 किलो का। टैबलेट नहीं खाया सुबह से, टैबलेट भी दे दो उसमें। देखो बेचारे मेरे बीमार मियां फिर भी काम के लिए निकल रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे? हाँ सॉक्स के दिखा, मेरे शूज दिखा कितने प्यारे हैं, न्यू शूज, बहुत जबरदस्त शूज। नहीं मैं 10 रुपये। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर काम से, एक्चुअल में मैं इतना खतरनाक बिजी हूँ, तो उसमें तबीयत भी ख़राब है, उसमें सब चल रहा है, मेरा नींद नहीं और चरनी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। कॉल देखो कितने आ रहे हैं, कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, दिन में मेरे को 1000 कॉल आते हैं, 1000 से ज़्यादा है। तो करता हूँ मन लोग, फिर भी छोड़ के जाता, दिल
जाने मन नहीं लगता है, बाहर भी गए तो मन नहीं लगता है, बच्चे बीमार है, क्या चल रहा होगा, क्या अकेले कैसे संभाल रही होगी मनु, क्योंकि हम प्राय प्रदेश में हैं, अपना कोई नहीं है यहाँ पे, इसलिए टेंशन ज़्यादा रहता है। फिर भी अल्लाह ताला है, फिर भी ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, क्यों टाइम दिया रहता है सबको, मैं फिर भी 8 दिन लेट चल रहा हूँ जिसको टाइम दिया हूँ, तो चलते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा सब, क्योंकि ये एज होती है मेहनत करने की, ऊपर वाला मेहनत करवा रहा है, नहीं तो लोग बहुत सारे खाली बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बस मेहनत का फल मिलते रहे अच्छा लगता है, मेहनत का फल मिलते ही है, बस मेहनत करो, जाओ बातों मिलो, बातें करो, समझाओ प्रोजेक्ट, वो सब होता है, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। एक्चुअली लकी ने पता है कल ही निकलना था, बट उन्होंने कैंसिल कर दिया, बच्चे इतने ज्यादा बीमार थे, उनको था कि फिर तुम अकेली क्या करोगी, और लकी पता है सही है, मैं अगर थोड़ी भी ठीक नहीं हुई या बच्चे ठीक नहीं तो बाहर नहीं जाते, और अगर बाहर हो तो फिर उनको आना पड़ जाता है, तो ये पता है अपना प्यार ऐसा दिखाते नहीं जब बात करते, ऐसा बोलते नहीं, और पीछे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा सबको कहते नजर लग जाती, नहीं बोलना चाहिए अप्पा। अच्छा चलो हाय डैडी को टाटा करो, चलो गाइस आज ही देखो बच्चे के जैसे रोता है, कर देंगे ना तेरे को, कर देना इसको रिचार्ज, कौन सा नेटफ्लिक्स का, नहीं प्राइम वीडियो का, पर्दा शो का, तुमने बिगाड़ा हुआ है इसको, नहीं कर, बोला ना कर देने का, हाँ बस इससे मतलब जो बोला वो चीज पूरी कर दो है, देखा गाइस चल बेटो 1500 के रिचार्ज के लिए डैडी जा रहे, इसलिए रो रहा कि रिचार्ज के लिए रो रहा, ये लो मेरे को सैंडल पहनाओ, मेरे को साथ में लेके चलो, है ना, कोई नहीं लेके जा रहा बेटा, मेरा ख्याल क्या है बच्चों का, ये तुम्हें ज्यादा है ना, बच्चों की फिगर है ज्यादा तुमको कि मेरी, अरे अरे मम्मा नहीं लेके जा रहे डैडी, तो ध्यान रखना, सब अच्छे से रखना, और दुआ करना मेरे लिए भी कि मैं जो काम से जा रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊँ, एक्चुअली मेरी तबीयत के लिए ज़्यादा दुआ करो यार। सो द लास्ट व्लॉग सबने देख लिया, अब तुमको बड़े फोन आएंगे कि कैसा है क्या है, व्लॉग देख के सबको पता चल जाता है, फिर कुछ लोगों के बड़े फोन आते, अरे ख्वाब दिखा ऐसा, अच्छा नहीं दिखा, ये नहीं पता वीडियो देख ली गाड़ियाँ लगवा लेनी थी ये वाली अपनी, डैडी डैडी काम से गए ना बेटा, है ना, डैडी काम से गए हैं, डैडी आ जाएंगे, ऐसे नहीं रोते, हुडैन पता है ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से पापा को जाते हुए देख लिया, अब बिल्कुल मान ही नहीं रही, पता है बेटा पापा आएंगे ना, पापा बाहर गए ना, मन चल रहा है मेरा बच्चा, पता है इसको ऐसे पापा को जाते हुए दिखाओ ही मत, और लकी का ऐसा है कि बच्चों को आदर डालो, जब मैं कहीं जाता हूँ तो उसको लेके रहा करो, उन्हें पता होना चाहिए मैं बाहर गया हूँ, और अभी जस्ट निकले हैं, अभी इसको वीडियो कॉल कैसे करवा दूँ, अप्पा बाहर जाना है, चल चल, हाँ चलो और पता है ये सारी शॉपिंग सब मुझे कहते हैं कि बहुत सारा सामान है, तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ जिसके लिए मैं अभी से बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ, मतलब समझ जाइए, तो ये है पहली चीज, और इसके अलावा ये वाला बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुझे एक पॉट रिसीव हुआ है जिसमें मुझे रखना है आमचूर पाउडर, ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, देखो ये भी सिरेमिक का है, इसकी लीड वुडन की है और एयर टाइट है, वाओ ये बहुत क्यूट है, हाँ ये है, तो ये है इसका दूसरा जार, ये दो का सेट है, तो मैंने ये दो पता है के लिए मंगाए हैं, एक सॉल्ट के लिए और एक ब्लैक पेपर के लिए, क्योंकि लकी जब उनके एग्स वगैरह का मैं कुछ करती हूँ ना तो लाइफ मुझे बहुत ज्यादा, ये बहुत क्यूट से लगी, तो हुडैन को नहीं अच्छा लग रहा है, उसको मैं बहला रही हूँ, फिर बिठा रही हूँ, फिर बहला रही हूँ,
फीवर तो अभी नहीं है उरान को, लेकिन ना अभी जस्ट उसने थोड़ी देर पहले वोमिट किया। क्या हो रहा है? चले नहीं देखना आपको ये सब, बोर हो गया। चलो उठा दो ये सारे सामान, उठा दो आज हम ये सब आपको डायरेक्ट रिव्यू देंगे, ठीक है? तो सारा कुछ हटा दो, मैं बाद में देखूंगी, मैंने कुछ नहीं देखना, मैंने सिर्फ उरान के साथ खेलना है, ठीक है? हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? चलो 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 चलो। उरान का मूड ठीक नहीं है गाइस, को इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अल्तमज की तबीयत आज बेटर है, दो दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, बस हम बच्चों का ख्याल रख रहे थे, लकी मैं बस पूरा टाइम दे रहे थे, और आज उरान थोड़ा थोड़ा फिर भी मतलब चली है, खेली है, अदरवाइज कल तक तो बिल्कुल नहीं उठी थी। मेरा पारा बच्चा चलता थोड़ा से बाहर चलता। चलो चलो डैडी बोले उरान को घुमा घूमी घूमी करा के लेके आओ। हाँ वो गाली पे चलेंगे तो गर्म कपड़े वेयर कर लो, कैप वेयर कर लो, है ना? आज मैंने जो अपने बाहर का छोटा वाला गेट खुलवाया ना, उसकी जो कुंडे की मोरी है वो छोटी सी है, तो मेरे को उसमें छोटा लॉक चाहिए अंदर से लगाने के लिए रात में। मेरे पास सारे बड़े वाले बड़े बड़े लॉक है, तो बस वो लॉक भी ले आऊंगी, हुरैन को भी घूमी घूमी करा के ले आएंगे, हुरैन का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और अल्तमश के लाना है ओरियो, तो अल्तमश देखो अपनी लिस्ट बना रहा है। चलो सैंडल कितने सैंडल, हाँ लो पहनो, ये देखो न्यू लॉक, देखो न्यू लॉक, ये देखो पैडलॉक। सो हुरैन की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो है मैं व्लॉग ही बैन करती हूँ, और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।